मेरे सामने एक शॉपिंग की बहुत ही गुड लुकिंग वेबसाइट ओपन आपको नजर आ रही है, ठीक है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक और ट्रिक देखने जा रहे हैं कि अगर तो कोई भी साइट वर्डप्रेस में डेवलप हुई है, यानी कि वर्डप्रेस का थीम यूज करते हुए किसी ने भी कोई साइट डेवलप की है, तो क्या हमें पता चल सकता है कि उसने कौन सा थीम यूज किया है, उस थीम की डिटेल्स पता चल सकती हैं, किस तरीके से, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे साइट ओपन की है, आपको ये प्रॉपर एक शॉपिंग की साइट नजर आ रही है। अगर आप इसका इंटरफेस देखें तो आपको ये प्रॉपरली एक इंटरफेस कंप्लीट इसका एक बहुत ही गुड लुकिंग इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी यहाँ पे ऑप्शन में चले जाएं, वहां पे आप प्रॉपरली इसकी शॉपिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये तो होगी प्रॉपरली एक साइट जो कि वर्क कर रही है। सपोज आपने ये साइट विजिट की, आपको इसका इंटरफेस और कंप्लीट इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत पसंद आई, ठीक है। आप भी सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपने सोचा कि जी यही वाला थीम अगर मैं यूज कर लूं। नॉर्मली ऐसा होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी साइट को फॉलो करते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि इसका इंटरफेस ऐसा है, इन्होंने ये वाला थीम यूज किया है, तो किसी तरीके से पता चल सके कि इन्होंने कौन सा थीम यूज किया है या इन्होंने साइट किस तरीके से डेवलप करवाई। अब देखे ना, ये कंप्लीट एक साइट फंक्शनल है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप चाहते हैं कि इसी किस्म की साइट मैंने डेवलप करवानी है, यही वाला थीम मैंने यूज करना है, तो क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन्होंने कौन सा थीम यूज किया है? जी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इनका जो यूआरएल है वो यहां से कर लेना आपने कॉपी। एड्रेस यहां से कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैंने यहां पे दो साइट्स ओपन की हैं। सबसे पहले मेरे पास यहां पे है wpthemedetector.com। यहां पे आके जैसे ही मैं उस यूआरएल को कॉपी करता हूं और यहां पे सर्च करते हैं, तो हमारे पास ये देखें जी, उसने हमें डिटेल निकाल के दे दी है कि ये वाली जो साइट है इन्होंने ये वाला थीम यूज किया है फ्लैट सम के नाम से। उसका वर्जन ये है, ऑथर ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, थीम प्रॉपर्टी ये है, ठीक है जी। ये सारी की सारी डिटेल उस थीम की हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्डप्रेस की साइट का थीम फाइंड आउट करना चाहते हो कि आप उस थीम को, अगर वो फ्री है वो तो आप डाउनलोड कर लेंगे, अगर फर्ज करें वो पेड भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 10-15-20 डॉलर का अगर होगा तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। वैसे जो पेड होते हैं वो भी फ्रीली हम डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। बहरहाल ये थीम की डिटेल आ गई। इसके अलावा मैं एक साइट काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, वो साइट है whatwpthemeisthat.com के नाम से। अगर यहां पे भी आके आप किसी भी साइट का यूआरएल कॉपी करते हैं तो यहां पे भी आपको थीम का नेम पता चल जाएगा, फ्लैट सम। जब आपको थीम का नेम पता चल चुका है तो आप सिंपल क्या करें, उस थीम नेम को यहां से करें कॉपी। कॉपी करने के बाद आप गूगल पे आ जाएं और यहां पे आप इस थीम को कर लें सर्च, ठीक है जी। थीम ये हो गया। अब आपको यहां पे इसकी सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस थीम की, कि ये कितने का है, फ्री है, पेड है, इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं, कौन कौन से प्लगइन्स हैं एंड सो ऑन। ये सारी की सारी डिटेल, इन्होंने जो थीम यूज किया है वो ये वाला है इन्होंने, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहां पे एक और साइट ओपन की है, यहां पे मैंने एक साइट ओपन की है जी डेली टाइम्स के नाम से। ये भी वर्डप्रेस में ही बनी हुई है, यानी कि इन्होंने भी वर्डप्रेस का थीम ही यूज किया है। इन्होंने कौन सा थीम यूज किया है, इस यूआरएल को मैं यहां से करता हूं कॉपी। दोबारा हम यहां पर आते हैं और यहां पे आके इसको करते हैं पेस्ट और अगेन इसको सर्च करते हैं, तो देखते हैं कि इन्होंने कौन सा थीम यूज किया है। जो भी थीम आपको अच्छा लगता है और वो साइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो आप उस थीम का नेम और सारी की सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देन आप उस थीम को यूज कर सकते हैं, पेड है, फ्री है, वो एक बात की बात है। और यहां पे आप लोग अब देख के परेशान ना होंगे जी, $59 का ये थीम है, तो इससे आपको परेशान होने की बात नहीं है। ये वैसे बहुत से मेथड्स हैं इनको फ्री डाउनलोड करने के भी, बहरहाल वो हमारा बात का काम। अच्छा जी, ये देखें, मैंने एक और थीम को यहां पे सर्च किया, एक और साइट को यानी कि सर्च किया, उसने कहा जी इन्होंने, ये जो साइट है इन्होंने वर्डप्रेस का थीम यूज किया हुआ है डेली टाइम्स V2 के नाम से। उसका वर्जन ये है, उसका ऑथर ये है। अच्छा, एक और चीज उन्होंने यहां पर मैंशन की है, यूज दिस चाइल्ड थीम, कि मेन जो पेरेंट थीम था वो ये वाला है,
इसका चाइल्ड थीम इन्होंने ये वाला यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सामने उसकी डिटेल आ रही है, मोर डिटेल्स एंड डेमो, आप यहां पे जाके इस थीम की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं या डायरेक्टली इस थीम को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, ये एक मैंने साइट ओपन की है, आप ये वाली भी यूज कर सकते हैं और ये वाली साइट भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आपको गूगल पे और भी बहुत सी मिल जाएंगी। कोई भी साइट जो वर्डप्रेस में डेवलप हुई है उस थीम की डिटेल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां में याद रखा कह रहे हो, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।